भाई जय गुरु वेदा जी की नमस्कार। जय गुरु। आज हम आपकी सूचना के आदेश अनुसार यहाँ किंचोली गांव में आए हैं। बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत बड़ा रक्त शिविर आयोजन यहाँ किया है, हम देख के उसको हैरान है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट आप लोगों की पूरी टीम के सहयोग से आप लोग करते हैं। तो आप हमें बताएं, आपने ये किस तरह से शुरू किया, आपके मन में क्या विचार आए और ये जो संस्था का नाम भी बताएं और अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित कुमार रवि है, मैं इंचोली का रहने वाला हूँ, जिला मेरा मेरठ है। और ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया है, हमें हमारे बड़ों ने जब बताया कि बाबू जगजीवन राम जी का जो जन्म है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है जी। तो पिछले 5 सालों से तो 5 अप्रैल पे ही लग रहा था। अच्छा। लेकिन इस बार हमारे जो क्षेत्र में हमारे सभी भाई इस बार रमजान आने से पहले तो उन्होंने कहा कि भाई इसको 10 से 15 दिन पहले कर लिया जाए। तो हमने ये 22 मार्च का हमने प्रोग्राम रखा। 22 मार्च हमने इसलिए रखा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में और गुरु हमारे बाबू जगजीवन राम जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने ये प्रोग्राम रखा। और हमारे सभी भाइयों का इतना योगदान था, जैसे इंचोली नंगली सदारतपुर नया गाँव, यहाँ से लगते मसूरी है, पिटकरी है और छोटा मावाना है, हस्तनापुर है, सारण, ये मतलब मुजफ्फरनगर तक के लोग यहाँ पे आए हैं जी जी। तो बड़ा अच्छा लगा। तो इस प्रोग्राम में जो जुड़े हैं लोग, तो हमने 5 सालों से हमारे सभी साथियों ने मेहनत करी है, वो उसी का ये रिजल्ट है। जैसे आज इतनी भीड़ आई है तो उनमें कितने लोग अभी तक ब्लड देके जा चुके हैं? 107 लोग अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं, 107 लोग आ चुके हैं। और अभी हमारी जो टीम मेडिकल यहाँ पे है उनकी व्यवस्था सारी खत्म कर दी है, जितने भी डोनर यहाँ आए हैं और वो दोबारा से अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और अभी डोनर यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँच रहे हैं। तो ये जो मेडिकल की टीम आई है, क्या ये भी निःशुल्क आई है, ये इनका मैनेज कैसे किया है आप? ये सब इनका मेडिकल से निःशुल्क होता है हमारा। अच्छा, अच्छा। मेडिकल प्रधानाचार्य से हमारी बातें हुई हैं तो उन्होंने इंचोली के लिए जो भी सारी सुविधाएं रखी, आने जाने रिफ्रेशमेंट जो भी था, और जो यहाँ का मैनेजमेंट रिफ्रेशमेंट है वो हमारी पूरी कमेटी ने अपने सौजन्य से कराया। तो जैसे आप लोग ये ब्लड देते हैं, अभी 107 लोगों ने दिया, ये कहाँ ब्लड बैंक में जमा हो जाएगा? अभी हम इसको मेडिकल ब्लड बैंक में जमा कर देंगे। अभी मेरे पे केस आया कि 2 यूनिट ब्लड बैंक उसमें चाहिए, अभी मसूरी में एक हॉस्पिटल है जी। तो हमने उनको भेज दिया कि आप ब्लड वहाँ से लीजिए, हम अपना बात कर लेंगे जी। हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में उनको ब्लड दिला देते हैं और हम उसको ब्लड वहाँ जमा करा देते हैं। तो जितना ब्लड अभी यहाँ से भेज रहे हैं उससे दुगुना हम वहाँ ब्लड लोगों को। तो जैसे किसी गरीब को किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको क्या शुल्क चार्ज पे निशुल्क निशुल्क अगर वो मेडिकल जो सरकारी अस्पताल में होते हैं तो उनका निशुल्क होता है, प्राइवेट में होते हैं तो उसका 1050 रुपये चार्ज, फैसिलिटी चार्ज जाता है, जो पहुँच का चार्ज होता है जी। बाकी जी। अगर कंडीशन नहीं होती वो भी हम उसको निःशुल्क करा देते हैं जी जी जी। तो आपकी जो ये यहाँ कार्यकारिणी है, समिति है, उसमें कितने लोग आपके साथ में जो है शामिल है इस मुहिम में? मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा इसमें कितने लोग। अच्छा, मुझे खुद भी नहीं। तो इस बार आपके क्षेत्रीय लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला? बहुत ज़्यादा। ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाया। तो आप इसका प्रचार किस तरह से करते हैं, सोशल मीडिया से कि आप गाँव गाँव जाकर के आप लोग अपनी टीम के साथ? 3 से 4 दिन के बीच में हमारी प्लानिंग तो चलती रहती है, लेकिन हम ज़्यादातर सोशल मीडिया से इसकी मार्केट वो करते हैं प्रचार जी जी। उसमें हमारे आसपास के गाँव में सभी हमारे भाई लोग हैं, सबसे बहुत प्यार है। तो एक ही बात पे जैसे वो हमें बुलाते हैं हम जाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं वो आते हैं, सभी सम्मानित आदमी यहाँ भी पहुँचे बहुत। तो जैसे अभी कुछ मुख्य वक्ता यहाँ के क्षेत्रीय जो अच्छे सम्मानित लोग थे उनमें कुछ आपका नाम बताएंगे, कौन 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 किस कार्यरत पद पर थे? अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थे तो डॉक्टर विजय कुमार जी जो रक्त को प्रभारी हैं मेडिकल कॉलेज से जी, जो दूसरे प्रभारी थे, दूसरे जो हमारे मुख्य अतिथि थे शशांक तनेजा जी जी, शारपन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जी, डॉक्टर हमारे विक्की तनेजा जी जी, और ये अपने स्कूल के चेयरमैन साहब हैं जी जी जी, और श्री हमारे जो है वाहिद अली जफर जी हैं जी, वो हमारे एलबी सेंटर कॉलेज के चेयरमैन साहब रहे हैं, और हमारे शब्बीर अहमद जी वो जी। हमारे एलबी सेंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं जी। और अभी और हमारे इंचोली के थाना अध्यक्ष श्याम शिवपाल सिंह जी वो भी यहाँ उपस्थित रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जी आपने देखा कि किस तरह से जो है अमित भाई अपनी टीम के साथ में बात कर रहे हैं, तो आपने ये जो थाना इंचार्ज पूरी टीम आई हुई थी यहाँ पर जो है, और जैसे ये कुछ पुरस्कार आप रखे हुए हैं, ये क्या आपने पहले चुनिंदा लोगों को यहाँ इनवाइट किया हुआ था? ये इनवाइट किया था, उसमें क्या रहा कुछ कंडीशन टाइम टेबल की रही है, जैसे हमारा 10 बजे का था जी, तो उसमें हमारा थोड़ा लेट हो गया, तो हम ये चाह रहे थे कि जैसे अभी ये रह गया तो अभी उनका अगला प्रोग्राम रखेंगे तो उनको सम्मानित करेंगे। वो लोग आए थे लेकिन हम लोग उनको एक एक करके नहीं दे सकते थे क्योंकि सभी लोगों के सामने जो प्राइजिंग है वो सब अच्छा लगता है जी जी। तो देखिए वैसे तो सभी सम्मान के पात्र हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं क्षेत्र में जो है कि आपने पूरे मेरठ मंडल में और इधर नाम रोशन किया है आपने पूरे इंचोली का, और आपका ये कारवां दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम प्रथम बार यहाँ आए हैं, हमने देखा है,
मीडिया के माध्यम से कि आपके साथ काफ़ी लोगों का प्रेम है और स्नेह है, यहाँ दूर दराज से लोग आए हैं, ये सब प्यार। तो और युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जो है आप? युवाओं के लिए मेरा अपील ये है, मेडिकल कॉलेज में जो बहुत लोग अभी संस्थाएं जो संविदा पे जो या वर्किंग जो भी निकलती है, तो जितने भी युवा हैं जो मेडिकल लाइन में, तो मैं उनको मेडिकल से, मेरा तो निवेदन ये कि उनको रोज़गार वहाँ से भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जी जी, तो वहाँ से नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अच्छे अच्छे अधिकारी लोग आए थे हमारे, जो धामा जी वहाँ, यहाँ हमारे ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने बहुत उनका मान सम्मान, उन्होंने इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बताया है कि पहली बार उन्होंने कहा मैं कई प्रोग्राम में। तो जैसे आप 5 साल से ही चला रहे हैं, तो आपने कितने लोगों को अब तक ब्लड दिलवा दिया है? मतलब गिनती नहीं कोई। अच्छा, ना लेने की गिनती है ना देने की गिनती, ये चीज़ तो नहीं करती। इस सब का श्रेय जो आप इतना एक महान कार्य करें, श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्री गुरु रविदास जी के चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ, और उस श्रेय मुझे जो सद्बुद्धि मिली है वो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का दरबार है ये। जी जी, ईश्वर अल्लाह गुरु महाराज ये सब एक ही दरबार है, यहाँ पे सभी लोग हैं। आपने सतगुरु रविदास जी के नाम पे नाम से जो है सभी समाज को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे आपके साथ मुस्लिम समाज के और सभी सर्व समाज के लोग बड़ा गुरु जी को भी सम्मान करते हैं और आपके साथ बड़े आस्था से और श्रद्धा से लगे हुए हैं, निष्ठा से, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैंने वार्तालाप की है, क्योंकि आपके साथ जो वाकई में आपने आपको कुदरत ने गॉड गिफ्ट दिया है, आपको सारे ही ऐसे लोग मिले हैं जो बेचारे सम्मानजनक और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो नशाखोरी के ऊपर भी बोले, जो युवा नशा की तरफ जा रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो नशाखोरी पे भी जा रहे हैं, देखिए देखिए होता क्या है, कुछ लोग किस कंडीशन में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग समझाते हैं, कुछ लोग समझे भी हैं, वो ब्लड भी डोनेट करने आए हैं, अब उनके अगर शरीर से ब्लड निकला है तो उनको क्या प्रॉब्लम है, तो हम उनको बताएंगे कि भाई नशे से आपको ये प्रॉब्लम है जी, ये आपको समस्याएँ हो सकती हैं, आप इसको ना लें, ले सकते हैं लेकिन अपने अपने हिसाब से लें, वो अनलिमिटेड नहीं है, अपना परिवार भी है, माँ है, बहन है, बाप है, रक्त के लिए लोग ऐसे तरसते हैं या कोई जान के लिए इतना तरसता है, तो हम उसे समझाते हैं, तो बहुत लोग सुधारे भी हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि बहुत लोग इस चीज़ को दूर रहें। तो आपने 5 साल में इतना बड़ा कारवा खड़ा किया है, तो आपको तो बहुत लोग फ़ोन करते होंगे भाई जी मुझे रात को भी कई बार ऐसे गरीब हम लोग रात में, हमारे माजिद भाई हैं, माजिद सिद्दीकी हैं, ये हर समय मेरे साथ तैयार रहते हैं, तो कई बार 12 बजे किसी ने कॉल, मनीष भाई हैं जो मेडिकल से, मनीष भाई हैं, ये आधी रात हमारे तैयार रहते हैं, हमारे दोनों भाई हैं, शादी भाई हैं, रफीक जी हैं हमारे, यानी कि क्षेत्र में अगर किसी को दिक्कत ऐसी आ जाए रात में भी, तो आप लोग जो हैं रात्रि में इंशाल्लाह जान से मान से हर चीज़ से अमित भाई के माजिद भाई के लिए बिल्कुल तैयार है, पूरी टीम तैयार है, पूरा गाँव तैयार है। वाह जी वाह जी, देखिए ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि इतना प्रेम और भाईचारा लोगों में है कि वो रात्रि के समय में भी और दिन 24 घंटे मेरे ख्याल में, और इससे बड़ी सेवा क्या होगी, जबकि ये मेरे ख्याल में निम्न लोग हैं जो अपनी कामकाज व्यवसाय अपना बिजनेस व्यापार करते हैं उसके साथ साथ में, नहीं तो इतने लोग धनधाम से संपूर्ण हैं और वो लोग भी इस काम को नहीं कर पाते जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, तो ये लोग अपना काम बिजनेस करने के साथ साथ में ब्लड डोनेट ग्रुप चलाते हैं, तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और हम आपको से दुआ करते हैं कि इनका कारवा जाए और बढ़ता जाए, इनका इनका मान सम्मान जश कीर्ति पूरे देश और दुनिया में फैले। अमित भाई एक बार आप जो है इंचोली की और क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करें जिन्होंने आप, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इंचोली के सभी क्षेत्रवासियों का और मेरठ मंडल के सभी जगह से उपस्थित इस प्रोग्राम में सम्मानित, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की शोभा उन लोगों ने कितनी अच्छी बढ़ाई है कि मैं चाहता हूँ कि मेरठ मंडल पे इंचोली का नाम टॉप में। तो बाहर से कहाँ बाहर से कहाँ से लोग आए थे लगभग आपके पास? अभी हमारे इंचोली के पास में जो सबसे ज़्यादा योगदान हमारा, जैसे इंचोली से नंगली है, सदारनपुर है, नया गाँव है, कुनकुरा है, और मसूरी है, बीटा है, करदोनी है, सैनी है, बेचोला है, बक्सर है, सिलानपुर है, रजपुरा, मेरठ, टंकरखेड़ा, मुजफ्फरनगर और मेडिकल, हर जगह से, हमें खुद नहीं पता कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं जी, वो मैसेज देखते हैं तो पता चलता है कि यार आज इंचोली का प्रोग्राम है, तो 5 साल में 1 साल में एक बार लगता है, 2 बार लगता है, तो पहुँचते बहुत जरूर है, उन्हें पता है कि वहाँ पे कौन सी टीम खड़ी है, कि वो पूरे समय हमारे साथ तैयार है। हाँ देखिए, गुरु रविदास जी के बारे में भी लोगों ने बताया जिसे इन्होंने श्रेय दिया है, तो गुरु रविदास जी ने भी अपनी वाणियों में लिखा है कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेव सो प्रभु मिलन की आस, कि जो इंसान दीन दुखियों मजलूमों के साथ खड़ा रहता है परमात्मा भी उसके सर पे हमेशा खड़ा रहता है, उसके मैं तेरे साथ हूँ तू चल आगे बढ़। तो हम सब लोगों को गरीबों मजलूमों और सभी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वन खोजे पिया ना मिले, वन में प्रीतम ना ही, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में माने। गुरु रविदास जी ने ये पावन संदेश दिए हैं कि वनों जंगलों पहाड़ों गुफाओं में लोग खोजने जाते हैं ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, परमात्मा को,
लेकिन वो भाई आपसी मानवता में और भाईचारे में ही बसता है। जैसे आज ये मानवता पूरी यहाँ इकट्ठी हुई है, सभी लोग यहाँ महिलाएँ बड़े बूढ़े बच्चे सभी युवा साथी भी आए थे, तो सभी में जो है यहाँ सभी में भगवान बसता है और सभी ने यहाँ पुण्य का काम एक महान काम कर दिया, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की यहाँ से जान बचेगी। तो हम सभी पूरी इंचोली टीम का और अमित भाई का और ये गुरु रविदास समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी टीम का, और सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि इनके साथ में जुड़े हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इनका दे दूंगा, कि गुरु रविदास महाराज और बाबा बाबू जगजीवन राम जी जो एक महान जिन्होंने सभी धर्मों के समाज के लोगों का उस समय गरीबों का छूटों का भला किया, तो उनके महान 114वीं जयंती पर इन्होंने जो है उनके बाबू जगजीवन राम जी को भी एक बड़े राजनेता हुए हैं जिन्होंने दबे कुचले लोग शोषित लोगों का बड़ा समाज में उठाने का काम किया, तो उनको भी याद करते हुए नमन करते हुए इन्होंने श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित किया बाबू जगजीवन राम जी को गुरु रविदास जी को। आप देख सकते हैं बाबू जगजीवन राम जी की एक सुंदर प्रतिमा इन्होंने लगाई हुई है सभी के सम्मान। तो मैं इनका अमित जी का और उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी ओर से। आप सभी जो हैं गन्ने के पात्र हैं, बहुत बहुत आप सभी का आभार इसी तरह।